हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पफ पेटीज। तो फ्रेंड्स, आपने आलू पफ पेटीज तो बहुत ही खाई होगी, लेकिन मटर पफ पेटीज को भी ट्राई करें घर पर। बहुत ही आसानी से बिना बेक करे इसे हम बनाने जा रहे हैं आटे से, जो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, बनाना आसान है और इसको आप पार्टीज के लिए बना सकते हैं, शाम की भूख के लिए बना सकते हैं, या कोई भी स्नैक्स खाने का मन कर रहा है इस तरीके का तो बना के खा सकते हैं। तो ट्राई जरूर करें घर पर एक बार, पूरा वीडियो देखें जरूर, और पसंद आए तो प्लीज प्लीज फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच। सबसे पहले हम एक बोल में 1.5 कप गेहूं का आटा लेंगे। 1/4 चम्मच इसमें हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे, डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इसका। नमक डालेंगे, 2 टीस्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। इसको हमें साफ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसको हमने अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लिया है, तो मोइन हमारा इसमें बराबर होना चाहिए। इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है इसको, हमें बहुत ज्यादा मोइन नहीं चाहिए। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका आटा तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका आटा तैयार करना है हमें। तो देखिए, आटा हमने तैयार कर लिया है, गूंदी लगाते हुए ही हमने आटे को तैयार किया है। आटा थोड़ा हार्ड ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो देखिए, ये आटा हमारा तैयार है। अब इसको हम ढककर एक साइड रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। अभी हमने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें हमने ये 3 हरी मिर्च ली है जिसे हाफ कट कर लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को कट कर लिया है, 3 लहसुन की कली। तो इसको हम पहले ग्राइंड करेंगे। तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी फ्रेश मटर ऐड करेंगे, जिसको हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसको हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो ये मटर को भी हमें इसके साथ दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब हम गैस पर बर्तन में 1 चम्मच तेल लेंगे, 1/4 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच सौंफ, 2 पिंच हींग। तो जीरा सौंफ लाल होने पर जो हमारे ग्राइंड किए हुए मटर और उसके साथ हरी मिर्च अदरक लहसुन है, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें अब हम 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 2 चुटकी हल्दी पाउडर। तो इसको हमें लो फ्लेम पर थोड़ी देर चलाते हुए पकाना है, क्योंकि मटर हमारे कच्चे हैं, तो इसके लिए हमें इसको थोड़ी देर पकाना है। और फ्रेंड्स, इसमें हम कोई लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च ऐड की है इसलिए। और आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी आप इसको बनाना चाहते हैं तो। तो इसको हमने 4 मिनट चलाते हुए पका लिया है। आप चाहे तो इसको ढक के भी पका सकते हैं बीच बीच में चलाते हुए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 2 चुटकी गरम मसाला, फ्रेश धनिया, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अब हम 1 मिनट और चलाते हुए पका लेंगे। तो 1 मिनट इसे और पका लिया है। अब ये स्टफिंग हमारे रेडी हो चुकी है, गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब जो ये आटा है हमारा, उसको हम हाथों से थोड़ा सही कर लेंगे। इसकी हम लोई बना लेंगे। इस तरीके से, तो ये सारे आटे की हमारी 7 लोई बन चुकी है। तब हम एक लोई को लेंगे, इसमें हल्का सूखा आटा लगाएंगे और इसे हमें बेलना है। तो इसको हमें किनारों से इसी तरीके से बेलना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गेहूं के आटे का यूज किया है, सूखा आटा लगाया है। आप चाहे तो मैदा भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे लोई की हमें पतली पतली रोटियां बना लेनी हैं।
तो अभी हमने कटोरी में 3 टीस्पून हमने ये घी लिया है, घी को हमने मेल्ट कर लिया है यानी पिघला लिया है। इसमें हम 2 टीस्पून आटा ऐड करेंगे, ये हमने गेहूं का आटा ही लिया है। उसको हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब जो हमने रोटियां बनाई है उसमें से एक रोटी को लेंगे और जो पेस्ट बनाया है उसको अच्छे से इसमें लगा लेना है। सूखा आटा इसके ऊपर डालेंगे। दूसरी रोटी को हम इसके ऊपर रखेंगे। अगर रोटी थोड़ी छोटी बन जाती है इस तरीके से हाथों से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। दोबारा इसके ऊपर हमें पेस्ट को लगाना है। तो सेम प्रोसीजर फ्रेंड्स हमें इसे करते जाना है। फिर से इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर रोटी रखेंगे और सेम उसी तरीके से घी और आटे का पेस्ट लगाएंगे। देन फिर से हमें इसके ऊपर आटे को डस्ट करना है। तो ये सारी रोटियों को हमने इसी तरीके से कर लिया है, अच्छे से पेस्ट लगा के उसमें आटा डस्ट कर लिया है। तो अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, देख सकते हैं इस तरीके से रोल करेंगे इसको। तो रोल करने के बाद इसको अब हम कट करेंगे, थोड़े बड़े साइज में ही हमें इसे कट करना है। तो अब एक रोल को लेंगे और इसको इस तरीके से हमें दबा देना है, फ्लैट कर लेंगे। सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से बेलना है। तो इसको हमने रोटी की तरह बेल लिया है, अब इसको कट करेंगे। तो इसके कॉर्नर्स को हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो इसको हमने कट कर लिया है स्क्वायर शेप में। अब जो हमारी स्टफिंग है मटर की वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करना है। अभी हमने 1 चम्मच आटा और थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया है इसको चिपकाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा हमें इसके किनारों पे लगाना है इसको। तो देखिए पेटीज हमारे रेडी है। इसी तरीके से सारे पेटीज को रेडी करेंगे। अभी हमने तेल को गरम कर लिया है। तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए इसमें, यानी कि बहुत ज्यादा तेज गरम तेल इसमें हमें नहीं चाहिए, नहीं तो पेटीज बाहर से फ्राई हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस चीज का ध्यान रखें। तो एक एक करके हम डालेंगे, जितने एक बार में आएगी कढ़ाई में उतना हमें डालना है। तो गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम पे रखेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको फ्राई करना है। अभी थोड़ा फ्राई होने देंगे फिर पलटेंगे इसको। तो थोड़ा फ्राई होने पर इसको पलटेंगे अब, और पलटते हुए ही इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसको हम तेज आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, इसको हमें धीरे धीरे ही अच्छे से फ्राई होने देना है ताकि प्रॉपर ये अच्छे से कुक हो। तो देखिए पेटीज हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत ही अच्छे से इसके देख सकते हैं लेयर्स भी अच्छे से खिल गई है। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स ये पेटीज बनाने का। पफ पेटीज वैसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके आटे को ही करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है और उसको बेक करना भी डिफिकल्ट रहता है बिना ओवन के। तो आप बिना ओवन के और
बिना आटे को मले बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाती है, और ये हमने गेहूं के आटे से बनाया है इसलिए बिल्कुल हेल्दी है। आप चाहे तो मैदे से भी इसको बना सकते हैं, अगर मार्केट वाला फील लेना चाहते हैं तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आटे की भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से दूसरे फ्राई करेंगे, बट फ्रेंड्स पहले आपको एक दिखा देते हैं हम एक और टिप वीडियो के साथ। तो इस तरीके से जो हमारे कॉर्नर्स बच गए हैं उसको हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, तो ये भी आपके वेस्ट नहीं होगा। आप चाहे तो उसको आटे में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका आटा ज़्यादा है तो दोबारा बेलने के लिए रोटियों को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपका आटा बचा नहीं है और ये वेस्टेज आपके आपको वेस्ट लग रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी वेस्ट लगने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी आप इस तरीके से क्रिस्पी फ्राई करके खा सकते हैं, ये बिल्कुल नमक पारे की तरह ही बन जाएंगे क्योंकि इसमें घी भी है और हमने नमक भी यूज़ किया है, अजवाइन भी है, तो उसका टेस्ट बिल्कुल नमक पारे की तरह ही आएगा। तो एक ही आटे से आप दो चीज़ बना सकते हैं, पेटीज के साथ आप नमक पारे भी रेडी कर सकते हैं और दोनों को इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए ये नमक पारे भी हमारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से कितने बढ़िया ये हमारे लेयर्स वाले नमक पारे भी रेडी हो गए। तो एक ही आटे से आप दो रेसिपी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया पफ पेटीज रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही अच्छे से इसके लेयर्स भी आपको दिख रहे होंगे और बहुत ही बढ़िया खस्ता बनी है फ्रेंड्स, जैसे आप मार्केट से लेके आते हो बिल्कुल वैसे ही बनी है। आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी खस्ता है, तो देख सकते हैं और अंदर तक बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से ये फ्राई हुई है। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कुक हुई है और परत भी इसकी बिल्कुल पतली सी है, क्रिस्पी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो अपने आलू पफ पेटीज तो बहुत खाए होंगे लेकिन ये मटर पफ पेटीज ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि खाने में अभी मटर का सीज़न है, बहुत ही अच्छे मटर मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप इसे बना सकते हैं। आलू पफ पेटीज तो आप कभी भी बना के खा सकते हैं लेकिन मटर पफ पेटीज सीज़न में जब मटर का सीज़न हो तभी बना के खाएं, तभी ज़्यादा मज़ा आता है खाने में क्योंकि सीजन की सब्जी का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो इसे आप किसी भी सॉस या चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो ट्राई जरूर करें इसे घर पर एक बार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यार से कमेंट हमें भेज सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।